Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine. Good, welcome to our science class. Students, today we will discuss our third chapter, that's name is fibers and plastics. ठीक है बच्चों, हम अपना जो third chapter है fibers and plastics वो discuss करेंगे. पहले हम इस chapter को एक बार पढ़ चुके हैं, so आज हम इसका as a revision दोबारा से पढ़ते हैं इस chapter को. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें फाइबर्स की. फाइबर्स क्या होते हैं? सो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में, क्लास सिक्स में, क्लास सेवेंथ में पढ़ते आए हैं, पढ़कर आए हैं ना फाइबर्स को. वहां पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फाइबर्स का, कि हम फाइबर्स को मेनली टू काइंड्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स को हम उनके ऑर्गेनिक सोर्स के बिहाफ पर भी टू कैटेगरी करते थे, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. जो प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं वो प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो एनिमल फाइबर. ठीक है, सो दीज बोथ आर नेचुरल फाइबर. ठीक है, आज की क्लास में जो अपनी एट क्लास में, उसमें हम जो फाइबर्स हैं उनका सिंथेटिक फाइबर्स है ना, कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स जो है उनको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है बच्चों, ठीक है, सो हम अपनी इस क्लास में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. समझ आया बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स. देखो सिंथेटिक फाइबर होते क्या है, ये तो हम अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, फिर भी रिकॉल कर लेते हैं एक बार. कौन से फाइबर्स? जो मेन-मेड फाइबर्स होते हैं, जिन फाइबर्स को हम फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज करते हैं, वो होते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में हमने, अब सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर है, आपके माइंड में आना चाहिए कि क्यों हमने नेचुरल फाइबर्स को छोड़ के सिंथेटिक फाइबर्स को यूज करने की नीड क्यों हुई. एक तो कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं बच्चों, उनके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो जो नेचुरल फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस थे, उनको कम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमने सिंथेटिक फाइबर्स को यूज किया. अब इनके एडवांटेजेस भी हैं, साथ में ही सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस क्या है? जैसे ग्रीज रेजिस्ट होते हैं है ना, ग्रीज के लिए रेजिस्ट होते हैं, ड्राई अप क्विकली, जल्दी से सूखते हैं है ना. इनको मेंटेन करना जो होता है, वो वॉश करना, मेंटेन करना इजी होता है कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स. वहीं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं है ना, जो एयर है उसको अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देते, इसी वजह से जो स्वेटिंग जब होती है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ये है ना. तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, फिर भी हम कंफर्ट टेबली हम इनको जो है वो यूज कर रहे हैं, हमारे जो नीड्स हैं उनको ये फुलफिल करते हैं. अब इस चैप्टर में हमने वेरियस वेरियस जो फाइबर्स थे सिंथेटिक, उनके बारे में पढ़ा, जैसे रेयॉन है ना, रेयॉन को हमने पढ़ा. इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क. अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि विच सिंथेटिक फाइबर इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो आंसर क्या होगा आपका? रेयॉन. यानी कि कहीं ना कहीं ये हमने सिंथेसाइज किया है. आर्टिफिशियल सिल्क से मतलब क्या हुआ? सिल्क जो एक एनिमल फाइबर है ना, जो नेचुरल फाइबर है, अब ये आर्टिफिशियल है, मींस ये सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड सिल्क नहीं है, इसको हमने केमिकल्स से सिंथेसाइज किया है फैक्ट्रीज में. ठीक है, इसके यूजेस क्या होंगे, जहां जो सिल्क का सब्स्टिट्यूट है वही, तो जहां सिल्क यूज होता था वहां उसको रेयॉन को यूज करेंगे. मेनली इसका कहां यूज है? क्लॉथिंग में. ठीक है, सेकेंड अगर हम
अदर जो डेली लाइफ के यूजफुल थिंग्स है हाउस होल्ड से अपने उनकी मेकिंग में हम यूज कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स को। ठीक है, सेकेंड टॉपिक अपना आता है इस चैप्टर का प्लास्टिक्स। सेकेंड टॉपिक क्या है अपने इस चैप्टर का? प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स क्या होते हैं बच्चों? प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, है ना? प्लास्टिक एक्चुअल में क्या है? पॉलीमर है। जो भी हम सिंथेसाइज कर रहे हैं किनकी हेल्प से? केमिकल्स की हेल्प से। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर वो सब्सटेंस या मैक्रो ऑब्जेक्ट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कई सारे छोटी छोटी यूनिट्स से जुड़कर बने हुए होते हैं, है ना? जैसे बहुत से मोनोमर्स, जो एक यूनिट होती है पॉलीमर की, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्म करते हैं क्या? पॉलीमर। अब पॉलीमर की जो एक यूनिट है उसको मोनोमर बोला। बहुत से मोनोमर जब एक साथ आते हैं तो क्या बनाएंगे? वो पॉलीमर। प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, आप इमेजिन करो विदाउट प्लास्टिक आर लाइफ। देखो भी आज जो आप डेली लाइफ में कितनी सी ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी सी आपकी नीडफुल थिंग्स हैं जिनको आप जो प्लास्टिक की बनी हुई है जो आप यूज कर रहे हो, सोच के देखो, है ना? घर के अंदर फर्नीचर है वो भी प्लास्टिक का है, चेयर्स है, टेबल्स है, हमारा पेन है ना, शार्पनर है, बॉक्स है ना, हमारे शू सॉल है, हमारी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है हम ब्रश करते हैं, तो जो हमारी टूथब्रश है ना, तो जो हम यूज कर रहे हैं अपने आसपास हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है ना? और प्लास्टिक एक पॉलीमर है। ठीक है, अब वेरियस काइंड ऑफ प्लास्टिक्स भी हमने पढ़े कि बहुत सारे यूज है। एक वार्ड स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर, वार्ड एरिया के अंदर हम प्लास्टिक्स जो है उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है इसकी जो कैटेगरी है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हमने प्लास्टिक को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया? देखो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम उसको मोल्ड कर सकते हैं अगेन एंड अगेन बाय हीटिंग, है ना? जब हम उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और उससे हम दूसरा ऑब्जेक्ट कोई जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हम बना सकते हैं, वो होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, हम जो शेप हमने उसको दे दी उसको हम दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते, पिघलाकर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो वो हम इसमें नहीं कर सकते, यानी कि इरिवर्सिबल है। एक बार जो ऑब्जेक्ट बन गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, अब हम उसको चाहे कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज करें हीटिंग के थ्रू, हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो कॉमनली यूज प्लास्टिक्स हैं, बहुत से यूज प्लास्टिक्स हैं जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं, पॉलीथीन सब यूज करते हैं, जानते भी होंगे। देखो पॉलीवर्ड, पॉलीवर्ड का मतलब होता है एक से ज्यादा, है ना? एथीन, एथीन जो है एक एल्काइन ग्रुप होता है ना? जब एथाइन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक से ज्यादा एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और एक चेन बनाते हैं तो वो क्या बन गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन एक क्या है? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीथीन तो आप जानते ही है ना, कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं पॉलीथीन को? कैरी बैग है, किसी भी फूड आइटम्स है या उनको रैप करना है हमें, पैकिंग करनी है हमें, सो किसमें करते हैं हम? पॉलीथीन्स में, है ना? सेकंड आता है अपना पीवीसी। व्हाट इज दैट? फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड ये भी एक प्लास्टिक है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन जिसको आप थर्माकोल बोलते हो वो भी एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक है। बैकेलाइट। अच्छा, इनके एग्जांपल्स के अगर हम बात करें, ये जो दोनों मैंने नाम लिया है ये दोनों है थर्मोप्लास्टिक। वही हम बात करें अगर बैकेलाइट की, जो बैकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग
इलेक्ट्रिक शॉक को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकना होता है वहां हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेफ्लोन है, टेफ्लोन भी एक प्लास्टिक है ना। जो टेफ्लोन होता है उसका यूज हम जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं ना अपने यूटेंसिल्स, उनको बनाने में करते हैं, ठीक है। एक आता है परस्पेक्स, एक आता है परस्पेक्स। परस्पेक्स जो प्लास्टिक है वो ग्लास का सब्स्टिट्यूट है। आपने ऑब्जर्व किया है आपकी जो कार है उसके जो साइड विंडो के साइड जो ग्लास है ना, वो क्या ग्लास है? देखना एक बार, ऑब्जर्व करना, फ्रंट तो ग्लास है, ठीक है ना। बट जो विंडो के साइड जो ग्लास लगे हुए हैं, जो आपकी विंडो है उसको जो ग्लास है वो एक्चुअली ग्लास है नहीं, वो किसका बना हुआ है? परस्पेक्स, जो कि ग्लास की तरह ही लगता है हमें, है ना, ठीक है। तो परस्पेक्स प्लास्टिक है जो कि किसका सब्स्टिट्यूट है? ग्लास का। अब जहां जहां हम ग्लास को यूज कर सकते थे वहां हम परस्पेक्स को यूज कर सकते हैं। जो प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनकी जो विंडो होती है वो परस्पेक्स से बनी हुई होती है, ग्लास नहीं होता उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ग्लास का जो वेट होता है वो हैवी होता है, प्लास्टिक का क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। समझ आ रही है ना चीजें?